नमस्कार दोस्तों, YouTube के सपोर्ट में हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि शिफ्ट बुक कोड क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि शिफ्ट बुक कोड क्या होता है। तो दोस्तों, शिफ्ट बुक कोड एक बैंक में, ये आपके बैंक अकाउंट बैंक में रहता है। अगर आपकी बैंक ब्रांच में ये अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरी ब्रांच का आप डाल सकते हैं। इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, आपको इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप अपना एडसेंस अकाउंट से डायरेक्ट मनी इसके जरिए शिफ्ट बुक कोड के जरिए डायरेक्ट अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। यानी कि आपके एडसेंस अकाउंट में जो भी डॉलरों में पैसा रहता है वो डायरेक्ट आपकी करेंसी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए इसको ऑनलाइन कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई बढ़िया सा ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको शिफ्ट बुक कोड की साइट पर जाना है, ifscshiftcode.com। तो दोस्तों, ये आपकी साइट आ चुकी है ifscshiftcode.com। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हैं सेलेक्ट बैंक नेम। तो दोस्तों, आप यहाँ से पहले तो मेन्यू पर जाइए एक मिनट, उसके बाद इनको सेलेक्ट करेंगे। तो पहले मेन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर शिफ्ट कोड पर ओके करेंगे। शिफ्ट कोड पर ओके करने के बाद देखिए, यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा, और आप किसी अन्य कंट्री से तो आप वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट बैंक नेम, अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये बैंकों के नाम दिए हुए हैं, आपका जो भी बैंक है आप उसका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है सेलेक्ट स्टेट नेम। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना है, यानी कि आप किस राज्य से हैं, तो आप अपना राज्य यहाँ पर भरना है। उसके बाद आता है सिटी नेम, सेलेक्ट सिटी नेम। तो अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट सिटी नेम, यहाँ पर ये सिटी आ जाएंगी, आपको उन पर ओके करना है। तो चलिए यहाँ पर अपना सिटी देख लीजिए, मैं ग्वालियर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपका जो भी सिटी हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से आपको अपना ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है, तो ब्रांच नेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ग्वालियर में। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ सेलेक्ट हो गया है। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पर ये सब कुछ जानकारी आपके सामने आ चुकी है। ये शिफ्ट कोड, ये आपका शिफ्ट कोड आ चुका है SBIN IN BB 427। और नीचे आपके बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है, कहाँ पे है आपकी ब्रांच, और ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपका कोई भी जवाब हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।